हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब में, जहां पे हमें परफेक्ट कंपटीशन मैथ पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद में सेंटर में अगर आप देखोगे तो यहां पे सब्सक्रिप्शन का बटन है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मैथ स्पेशल क्लासेस को, तो सब्सक्राइब में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा टाइम टू टाइम। अब उसके बाद में ऊपर देखिए, यहां पे मैथ स्पेशल क्लासेस है ऊपर की साइड में सर्कल में, उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ होम पे है। होम पे सारी वीडियोज़ आप देख सकते हो। यहाँ किरण प्रकाशन 8700 प्लस से हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया है। और आपसे, आप हमेशा जब भी कभी प्ले करो तो फिर प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाने के बाद में यहाँ आप देख सकते हो, और यहाँ पे एक एरो है, ये एरो है, यहाँ से भी आप क्लिक करके एसएससी मैथ्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी सीख सकते हो, प्लस माइनस एडिशन वो सारी चीज़ें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे तो किरण पब्लिकेशन के हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट हमारा स्टार्ट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जब भी प्ले करें वीडियो तो फिर प्लेलिस्ट में से ही प्ले करें। ओके, फिर हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने किरण प्रकाशन बुक की ओर, जहां से हम डिस्काउंट चैप्टर सॉल्व करें, मतलब बट्टा, और उसके हमने टाइप फोर तक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके फ्रेंड्स, तो टाइप फोर में कुछ और क्वेश्चन हैं, उन्हें भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 11 to 25 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ, और अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास में किरण प्रकाश की बुक है तो प्लीज ओपन कर लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कोई दुकानदार अपने माल को बेचने के लिए क्रय मूल्य से कितने अधिक मूल्य पर अंकित करे, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित करे कि 20% का बट्टा देने के बाद भी उसे 10% का लाभ हो। तो सीधी सी बात है, सीपी और एमपी का रिलेशन है। अच्छा, तो सीपी और एमपी का रिलेशन है, तो सीपी और एमपी का रिलेशन हमने डायरेक्ट वाला सीखा है कि जब भी कभी हमें क्रय मूल्य निकालना होता है तो हम डिस्काउंट वाले परसेंट को 100 में से माइनस कर देते हैं। अच्छा, तो डिस्काउंट कितने का, 20% डिस्काउंट है, तो 100 में से माइनस करेंगे, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो गया मेरा क्रय मूल्य। अच्छा, तो हमें निकालना है अब एमपी। एमपी निकालने के लिए हमने सीखा है कि 100 में हम 10% लाभ ऐड कर दें तो हमारा एमपी निकल जाएगा। तो 100 में 10% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110, मतलब 110 रुपये। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ये 80 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है जरा देखिएगा, 30 ही तो अधिक है, कितने से, 80 से। प्रतिशत के लिए इंटू 100 करेंगे, फाइनली हम इसे कैलकुलेट कर लेते, 10 से 10 4 से काटेंगे, 4 × 8 4 से 25, 25 दिया 75, और 75/2 कितना हो जाएगा मेरा, 75/2 हो जाएगा 37.5%, मतलब 37 सही 1/2% हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं, या फिर 37.5 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 का मतलब होता है 0.5। ओके फ्रेंड्स, तो फटाफट से नोट कर लीजिएगा, बिंदास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आपको ऐसे बताए जाएंगे वीडियो के अंदर कि आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं वो पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, सारे पॉइंट एकदम परफेक्ट तरीके से देखते चलिए और नोट करते चलिए। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मतलब स्टार्टिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिए डिस्काउंट का स्पेशली, ठीक है, जिससे कि डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन क्लियरली आपकी समझ में आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर सीरीज वाइज में चलिए, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फिर फोर्थ टाइप। ओके फ्रेंड्स,
चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। कोई विक्रेता अपने माल के क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मतलब ये कि क्रय मूल्य को सीपी से क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, मतलब सीपी से एमपी जो है 30% अधिक है। किंतु नगद भुगतान, कोई अगर नगद पैसे देता है तो 15% का एक डिस्काउंट देता है, तो नगद भुगतान पर बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत। तो फ्रेंड सबसे पहली बात कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मैं जो है 100 रुपये की एक वस्तु खरीद के लाया, अच्छा तो मैंने उस पर 30% अधिक अंकित कर दिया, तो 30% अधिक का मतलब क्या 130 रुपये लिख दिए। अब 130 रुपये लिखने के बाद में मैं 15% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 130 का अगर मैं 15% निकालूंगा तो 15% निकालने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि कितने का डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे अगर मैं काटूँ तो वैल्यू कैसे कटेंगे, सीधे सीधे काट लेते, 1 जीरो से 1 जीरो काट लेते, 5 से काटेंगे 5 से 15 5 दूनी 10, 13 तिया कितना हो जाएगा 39 रुपये, 13 तिया 39 और यहाँ पे बट्टे में है 2 काट लेते, 2 एक कम 2 2 9 18, अब कितना बचा 0.5, मतलब 19.5 रुपये, मतलब मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा कितने का 19.5 रुपये का। लेकिन 19.5 जो लिखा हुआ 19.5 ये परफेक्ट है कितना, मतलब 15% ही तो है, 130 का 15% कितना होगा 19.5। अच्छा तो 19.5 का डिस्काउंट दूंगा तो बेचूंगा कितने में, सबसे पहले एक बड़ी संख्या 19 से बड़ी संख्या माइनस करूँ, मतलब 20, 130 में से 20 माइनस करेंगे तो कितने में बचेगी 110.5 है, तो 0.5 लिख दीजिए, तो ये कितना हो गया टोटल मिला के 100 रुपये की वस्तु जो बेचनी थी वो कितने की बिच गई 110.5। अच्छा तो प्रॉफिट कितने का होगा 10.5 रुपये का, कितने पे 100 पे, प्रतिशत के लिए इंटू 100 करेंगे और 100 से 100 हम काट सकते, तो फाइनली जो आंसर होगा वो कितना होगा 10.5% एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जो कि क्या होगा लाभ होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ देख लेते और हमें एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो सारे सिंपल है, जब अंकित सर साथ में है तो सिंपल तो होने ही है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं फिर। अकबर 1200 रुपये लागत वाले जूते के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करे कि 16% छूट देने का 12% का लाभ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 1200 रुपये लागत वाले वो लेके आ रहे हैं, मतलब क्रय मूल्य दे रखा है हमें कितना 1200 रुपये और 16% डिस्काउंट 12% लाभ, 16% डिस्काउंट 12% लाभ। सीपी और एमपी का रिलेशन, सीपी हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपली 100 में से डिस्काउंट को माइनस कर दे। अच्छा तो डिस्काउंट 100 में से अगर मैं 16 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से सबसे पहले 15 माइनस कीजिए, तो 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा 85 में से एक और घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 84। सबसे पहले क्या के, जब भी कभी कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है तो परफेक्ट वैल्यू माइनस किया करो, ठीक है, जिससे आसानी होती है थोड़ी सी। अच्छा 12% लाभ, 100 में अगर मैं 12% ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 112 रुपये। अब क्या करना, फाइनली हमें इसमें से एक की वैल्यू दे रखी है और दूसरे की हमसे पूछी गई है। अब एक काम करते हैं, इन्हें ना मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, अगर देखिए किसी से कट रहे हो तो, ये कट रहे हैं किससे, 21 से काट दूँ 21 या फिर 4 से काटूंगा, 4 दुनी 8, 4 एकम 4, इसे काटूंगा 4 से कितनी बार, 4 दुनी 8, बचे कितने 3, 4 8 32। अच्छा तो अब किससे कट जाएंगे, 7 से 7 3 1 7 4 28, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। अच्छा तो सीपी आ गया 3 और एमपी आ गया 4। अब हमें दे क्या रखा है, दे रखा है लागत मूल्य, लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य, तो मतलब 3 बराबर हमें दे रखा है कितना 1200 रुपये। अच्छा 3 बराबर 1200, तो 1 बराबर कितना होगा 3 चौक 12, मतलब 400 में गुणा कर दूं, 400 में जो बीच में लिखते हैं ना हम, ये 1 रेशियो का मान होता है, 1 बराबर इतना है, तो 3 चौक 12 1200 हो गए। इसी तरह से इसमें 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एमपी निकल के आ जाएगा, तो एमपी निकालने के लिए 4 चौक 16 हो गया और 2 जीरो की 2 जीरो, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है।
और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेस क्लासेस को, जिससे कि मैथ्स की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन अपडेट भी आपके मोबाइल में पहुंच जाए। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल 100 रुपये हो तथा उस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करना हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो सिंपली हम कर सकते हैं सीपी और एमपी का रिलेशन है, क्रय मूल्य दे रखा है, एमपी पूछा है। अच्छा, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करूंगा, बट्टे को 100 में से माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 96। अच्छा तो 20% लाभ है तो कितना हो जाएगा, 120। अच्छा तो इसे कैसे काट लूं, 12 से काट लिए, 12 8 96 कितना हो गया, 8:10 हो गया। अब हमें एक चीज रखी और काट लेते, 2 4 8 2 5 10, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप नहीं काटते हो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हमें देख क्या रखा है वो देखिए। तो हमें दे रखा है उस वस्तु का क्रेमूल, क्रेमूल मतलब सीपी, सीपी 4 बराबर हमें दे रखा है कितना, 100। 4 बराबर 100 है तो 4 में ऐसी संख्या का गुणा करो जिससे कि 100 बन जाए। तो मतलब 4 से भाग करके चेक कर लेते तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 25 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 25 का इसमें कर दो, तो 25 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 5 125 रुपये, और 125 रुपये क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि अंकित मूल्य कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और हमें एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक रेडियो का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब एमपी, 4800 रुपये है, ठीक है। दुकानदार 10% का एक बट्टा देता है तथा 8% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रति। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा किससे, हम 2-3 तरीके से जा सकते हैं, मतलब एमपीएसपी सीपी से भी जा सकते हैं, और किससे जा सकते हैं। देखो, 10% का बट्टा है और 8% का लाभ है, यदि कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम सीधे सीधे भी कर सकते हैं, वो कैसे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है जब कोई बट्टा नहीं दे रहा है उस कंडीशन में। तो अब हमें सीपी और एमपी निकालना है, सबसे पहले सीपी और एमपी निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सारी चीज़, 10% का बट्टा है। अच्छा, 10% का बट्टा है तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे अप्रोच कि 10% अगर मैं बट्टा डिस्काउंट 100 में से माइनस कर दूँ तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाता है और वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अच्छा, 8% का लाभ प्राप्त करना है। अच्छा, तो 8% का लाभ 100 में जोड़ दूँ, 108, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। चलो ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब उसके बाद बोला यदि कोई बट्टा ना दे, अगर मैं कोई बट्टा ना दूं तो ये 108 में बेचेगी, ठीक है। जो रुपए दिए गए उन्हें अभी छोड़ दो, उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं कोई बट्टा ना दूं कितने पे बेचूंगा, 108 में बेचूंगा, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है जरा देखिए, 90 100 108 मतलब 18 रुपये का, कितने पे, 90 पे, प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देंगे, 18 5 90, 5 से कितनी बार, 20 बार। तो फाइनली जो कितना अधिक अंकित करना होगा, मतलब या फिर कितना लाभ होगा, ये लाभ है, क्यों, क्योंकि अब जो व्यक्ति है वो
विदाउट डिस्काउंट, मतलब अब वो बट्टा नहीं दे रहा, बट्टा नहीं दे रहा तो जितना लिखा हुआ उतने पे बेचेगा, तो कितना हो जाएगा उसे लाभ, 20% लाभ हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 4800 का रोल नहीं है सर, तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को परसेंटेज में एक पॉइंट लिखवाया था, नोट पॉइंट, वहाँ पे मैंने बोला था जब भी कभी परसेंटेज में वैल्यू पूछी जाती है तो बहुत सी बार क्या होता है कि हमें जो रुपए दिए गए होते हैं उसका कोई रोल नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो 4800 रुपये का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, 4800 रुपये जो क्वेश्चन में दिए गए उसके बिना भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बोलोगे अगर इसे इस्तेमाल करें तो इसे इस्तेमाल करें फिर भी आंसर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन में और सारी चीज़ें ऐड करेंगे सॉल्यूशन में तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। तो आप लोगों को मैं एक ही सजेशन करूँगा कि जब भी कभी हम डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट तरीके से निकाल सकते हैं परसेंटेज, तो हमें परफेक्ट वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़, सिंपल है क्वेश्चन, उसी के लेवल का है, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि वो डिस्काउंट नहीं दे रहा, अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा तो फिर एमपी पे बेचेगा जितना लिखा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्रय मूल्य पर लाभ निकाल लिया। ओके फ्रेंड्स, अगर हम चाहें तो दूसरे एमपी एसपी सीपी से भी जा सकते हैं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना सीखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया और कैसे हमें सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके फ्रेंड्स, और हाँ अगर ये क्वेश्चन ये बोल देता कि उसका अंकित मूल्य कितना है या फिर क्रय मूल्य कितना है, उस केस में हम 4800 रुपये का इस्तेमाल करते क्योंकि परफेक्ट में आंसर पूछा गया, लेकिन इस केस में सो परसेंटेज में आंसर पूछा गया, तो जब भी कभी परसेंटेज में आंसर पूछा जाता है तो रुपयों का कोई रोल नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, विदाउट रुपीज़ भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और हमें एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कोई दुकानदार 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अधिक अंकित करे ताकि 25% का एक बट्टा देने के बाद 35% लाभ हो। तो फ्रेंड्स इसमें जो रुपये पूछेंगे मतलब कितना मूल्य अंकित करे, मतलब मूल्य पूछा गया कितना लिखूँ, 200 रुपये की मैं एक वस्तु खरीद के लाया मैं उस पर कितना लिखूं, जैसे कि मैं 25% का डिस्काउंट दूं और 35% का लाभ हो जाए मुझे। तो ऐसी कंडीशन बनाने के लिए हमें सीपी और एमपी का रिलेशन पूछा गया, तो सीपी और एमपी का रिलेशन के लिए हमें क्या करना होगा, सीपी निकालने के लिए डिस्काउंट को माइनस कर दें 100 में से, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, इसी तरह अगर मैं 100 में ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा 135। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्या दिया हुआ और क्या पूछा वो हम देख लेते हैं। तो पहले इसे छोटा कर लेते हैं, 5 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 से काट रहा है, 3 चौक 12 3 5 15 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 3 5 15 3 से इसे काटेंगे, 3 चौक 12 3 5 15 तो ये तो हो गया ये 25 और ये 45। ओके फ्रेंड्स, 3 से मैंने डिवाइड किया है, 3 से 3 दूनी 6 3 5 15 3 चौक 12 3 5 15। ओके फ्रेंड्स, अब हमें देखा रखा है क्रय मूल्य, मतलब 25 बराबर हमें कितना दे रखा है 200 रुपये, तो 25 चौके 100 होते हैं तो 25 अट्ठे 200 होंगे ना, 25 अट्ठे 200 तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ, अच्छा 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारा एमपी आ जाएगा और वही हमसे पूछा गया, 8 5 40 4 कैरी 8 चौक 32 3200 3204 36, ये हमारा क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, मुझे इतना लिखना पड़ेगा 360 रुपये, जब मुझे 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 35% लाभ होगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। तो यहाँ पे जब भी कभी सीपी दे रखा होता है, एमपी दे रखा होता है, सीपी पूछा होता है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट अप्रोच इस तरीके से हम जा सकते हैं, एक ऑलराउंडर और वाला और मेथड है जो कि हमने सिखाया हुआ है, एमपी एसपी सीपी आप उससे भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे लेंथी होगा, जब हम किसी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते तो हम टफ की तरफ क्यों जाएँ। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर चाहो तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़।
चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% डिस्काउंट देता, मतलब छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है और यदि यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो थोड़ा सा ना अच्छा भी है क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमाएदार है, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड्स, चलो तो सॉल्व करते हैं। तो अब हम चलेंगे MPSP CP से। MPSP CP का मतलब क्या होता है सर? कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोगों ने कौन सा वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे कि क्लियर हो जाएगा। MPSP CP, MP फॉर मार्क प्राइस जो कि पैकेट पे लिखा हुआ होता है, SP फॉर सेलिंग प्राइस जो कि हम विक्रय मूल्य बेचते हैं, क्रय मूल्य मतलब उस वस्तु को बनाने में जितने रुपये या फिर जितनी लागत लगी है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले डिस्काउंट है, 23% डिस्काउंट है। अच्छा, तो 100 रुपये की अगर मैं वस्तु मान लूँ तो 23% का डिस्काउंट दूंगा तो बेचूंगा कितने की भाई? 23 माइनस कर दो उतने में भी जाएगी, क्योंकि 100 का 23% कितना होगा? 23 ही होगा, और 23 को माइनस कर दूँ तो कितने में बिच जाएगी? 77 रुपये में। अच्छा, तो 77 में बिच गई। अब उसके बाद बोला 10% लाभ, लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। अच्छा, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 होगा, तो फिर ये लाभ कितना होगा? 11 होगा। क्यों? 10% कितना होता है फ्रेंड्स? आपने फ्रैक्शन वैल्यू याद कर ली होगी, 10% होता है 1/10 लाभ होता है। तो नीचे तो क्या होता है मेरा? CP फिक्स होता है। अगर मैं 10 में 1 जोड़ दूँ 11 क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब क्या कहना है कि जिसके पास दो वैल्यू होते वो हमेशा क्या करते? समान। तो इसमें 7 का गुणा कर दूँ कितना हो गया? 77, ऊपर भी 77, तो यहाँ पे भी 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ। CP कितना हो गया? 70। SP कितना हो गया? 77। अच्छा, MP कितना हो गया? 100। अब हमें इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा, और वो हमें क्या दे रखा वो ध्यान से देखना। और यहाँ पे दूसरी बात कि यहाँ पे इधर जाएंगे तो डिस्काउंट हमें मिल जाएगा, डिस्काउंट कितने का होगा? 23 का। और हम इधर से इधर जाएंगे तो कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, और प्रॉफिट कितने का होगा? 7 रुपये का। ठीक है, 70 रुपये की चीज़ 77 में बेच रहा हूँ तो 7 का प्रॉफिट, 100 रुपये की भी 77 में बेच रहा हूँ तो 23 का डिस्काउंट। तो जब भी कभी क्वेश्चन में इस टाइप से, ये ऑलराउंडर है, मतलब यहाँ पर 5 चीज़ें होती हैं जो कि मेनली पूछी जाती हैं, और 5ों चीज़ हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चाहे वो MP हो, SP हो, CP हो, चाहे डिस्काउंट हो, प्रॉफिट हो, लेकिन कंडीशन एक है कि क्वेश्चन में रुपये हमें एक परफेक्ट वैल्यू जरूर देगा। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें दे के रखे 56 रुपये का लाभ, मतलब प्रॉफिट, तो 7 बराबर, यही तो हमारा प्रॉफिट है, तो 7 बराबर कितना है? 56। अच्छा, तो 1 बराबर कितना होगा? 7 8 56। 1 बराबर 8 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? इंटू कर दो आठ का तो कितना हो जाएगा? 800 रुपये। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर आपने 100 में ही क्यों गुणा किया, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है? MP मतलब मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा मेरा? 800 रुपये। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस मेथड से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा ना प्रॉफिट दिया हुआ था, इस वजह से मैं इस रास्ते से गया हूँ। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और कौन सा वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सारी चीज़ें, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से हैंडल करना है। ओके, फटाफट से नोट कीजिए। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, बस क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना सीखो और उसे समझना सीखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीखिए। चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पे। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देते हैं। अरे, कमीशन दे रहा मतलब उसे, उसकी जेब से तो जा रहा है ना, मतलब डिस्काउंट दे रहा है एक तरह से, ये समझ के चलो। ठीक है,
5% कमीशन देने की इच्छा रखता है, ठीक है, किंतु साथ ही वह 10% लाभ प्राप्त करते हैं। तो यदि उसका क्रय मूल 95 रुपये है तो अंकित मूल्य है। मतलब क्रय मूल और एमपी का रिलेशन पूछा है, जब भी कभी सीपी और एमपी का रिलेशन पूछा जाता है तो हम क्या कर देते हैं, सीपी निकालने के लिए हम 100 में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। यहाँ पे कमीशन के नाम पे डिस्काउंट ही दे रखा है, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं। तो 5% कमीशन है तो मतलब 100 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 95। अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपी में लाभ जोड़ दो, तो एमपी में लाभ जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 110, 10% का प्रॉफिट। अब हमें इन दोनों में से एक चीज दे रखी होगी, अच्छा तो हमें दे क्या रखा है, क्रय मूल, मतलब 95 बराबर दे रखा है, 95 कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 1 का, 95 एकम 95, इसी तरह 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, अच्छा तो 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 110 रुपये हमारा अंकित मूल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, फटाफट से नोट कीजिएगा, है ना बहुत सिंपल, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। और प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव जरूर देना, आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया, या फिर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई भी एनवी, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करके लिख कर टाइप करके जरूर बताना हमें। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी हुई, मतलब अंकित मूल्य में लागत मूल्य से कितनी परसेंट वृद्धि करनी हुई, सिंपल पूछा हुआ है। मतलब लागत मूल्य और एमपी का रिलेशन है, सीपी और एमपी का रिलेशन है, अच्छा तो सीपी निकालना है तो 100 में से 10% छूट माइनस कर दूं कितना हो जाएगा, सीपी 90, अच्छा तो 8% लाभ है, 100 में ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 108 रुपये, अच्छा तो वृद्धि कितने की हो गई, 18 की, कितने से, 90 से, भाई कितना अधिक लिखना होगा मुझे, 108 ना, तो 18 अधिक लिखना होगा 90 से, 90 से 18 किस पे, 90 पे इंटू करेंगे 100 का, 18 × 5 = 90, 5 से 20 बार, तो फाइनली जो आंसर होगा वो कितना होगा, 20% अधिक, मतलब वृद्धि करनी होगी। ये हमारा एक्यूरेट आंसर हो गया, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, देख लेते हैं, चलो, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, ठीक है, तत्पश्चात वह उसका सूची मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है ताकि उसे 10% छूट देकर भी 20% लाभ हो, तदनुसार उस घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड 450 रुपये में खरीद रहा है और उसका सूची मूल्य निर्धारित करता है, ठीक है, वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्रय मूल्य पता है और अंकित मूल्य पूछा है और 10% डिस्काउंट है, 20% लाभ है, तो सीपी और एमपी रिलेशन है, सीपी और एमपी का रिलेशन है, तो सीपी और एमपी निकाल लेंगे। सीपी निकालने के लिए 100 में से डिस्काउंट को माइनस कर दूं, मतलब 10% डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा, 90। अब उसके बाद में बोला 20% लाभ है तो कितना हो जाएगा, 120। अब इनमें से हमें एक चीज़ दे रखी है, दूसरी चीज़ पूछिए, अच्छा तो क्या दे रखा है, कलाई घड़ी खरीदता, खरीदने का मतलब क्या, क्रय मूल, तो सीपी दे रखा है कितना, 450 रुपये, तो 90 बराबर हमें दे रखा है कितना, 450, 10 से देखो, 10 से 10 गई, 9 × 5 = 45, तो 1 बराबर कितना होगा, 5, ठीक है, कैसे निकालते वो देखो ध्यान से, 90 बराबर है 450, तो 1 बराबर कितना होगा, 90 से भाग दे दूँ, 10 से 10 = 9 × 5 = 45, तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12 × 5 = 60, 600 रुपये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा।
ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। अंकित मूल पूछा हमने, अंकित मूल निकाल लिया। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, किसी को बताना नहीं, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ देखते हैं। बहुत सिंपल मेथड से करने वाले। कोई व्यापारी किसी वस्तु को उसके लिखित मूल्य पर 10% कटौती देने का उपरांत बेचकर, मतलब उपरांत बेचकर 10% डिस्काउंट पर बेच रहा है, सीधी सी बात है, 15% लाभ प्राप्त कर रहा है, तो क्रय मूल्य और उसके लिखित मूल्य का अनुपात पूछा है। अनुपात मतलब रेशियो, रेशियो फाइंड आउट करने। अच्छा, तो सीपी और एमपी किस किस का पूछा है ये देख लेते हैं पहले। तो उस घड़ी का, तदनुसार उस घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए, नहीं सॉरी, क्या पूछा, क्रय मूल्य और उसका लिखित मूल्य, मतलब सीपी और एमपी का। तो वही तो हम करते हैं हमेशा, सीपी और एमपी का अनुपात ही तो निकालते। तो सीपी का अनुपात निकालने के लिए 10% कटौती माइनस करते, 100 में से 10 गए तो कितना बचा, 90। 15% लाभ है तो 100 में ऐड कर ले, 115 हो गए। अच्छा, तो 5 से काट लेते, 5 से कितनी बार, 18 बार, 18 × 5 = 90 होते हैं ना, 5 से इसे काटेंगे कितनी बार, 23 बार। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 18 × 23 हो जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट रिलेशन से डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई वैल्यू दे रखी होती तो हम आगे सॉल्व करते, लेकिन उसने अनुपात पूछा तो हमने रेशियो फाइंड आउट कर लिया। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। जल्दी से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की और। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु के लिए 25% छूट पर 25% लाभ है, यदि छूट 10% हो तो लाभ कितना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे सीपी और एमपी निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाली लाइन में जो लिखा है 25% डिस्काउंट और 25% लाभ, सीपी और एमपी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, 25% डिस्काउंट 100 में से माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, 125। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है वो देख लेते हैं। अब देखो, क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है वो ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि यदि 10% डिस्काउंट हो। अच्छा, तो 10% डिस्काउंट दूंगा तो मैं किस पे दूंगा, आपसे पूछ रहा हूँ, क्रय मूल्य पे या अंकित मूल्य पे। भाई अंकित मूल्य पे दूंगा ना, 10% डिस्काउंट। तो अंकित मूल्य जितना पैकेट पे लिखा हुआ है, मतलब 125 रुपये एक पाउच पे लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 10% इसी पे तो लेस करूँगा। तो माइनस कर दूँ कितना, 10%, और इसका 10% क्या होगा, 1/10 एक पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब कितना लेस करना है, 12.5। अच्छा, तो 12.5 माइनस करूँगा तो 125 में से 12.5 गए तो कितने में बिच जाएगी, 112.5 रुपये। अच्छा, तो अब जो है इतने रुपए में वस्तु बिक रही है डिस्काउंट के बाद में, सीपी से एसपी प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितने का होगा, सबसे बड़ी बात ये है, तो 75 से 100 मतलब 25 का उधर हो रहा है, 25, 35 और 37 मतलब 37.5 रुपये का प्रॉफिट, 37.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। दोबारा देखिए, 75 को पहले 100 पे लेके जाएंगे तो 25 मिल गया मुझे, 25 और इसमें से 10 जोड़िएगा बस, तो 10 जोड़ेंगे 35, 25 और 10 35, 35 के बाद 2.5 37.5, और कितने पे, 75 पे, प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देते। फाइनली हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 + 75, 25 × 100। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हटा देते, 0 लगा दूँ, 2 × 4 2 × 15, ठीक है। अब क्या करना है, 15 से काट ले, 15 × 2 = 30 कितने बचे, 75, 15 × 5 = 75, 25 × 2 = 50, तो मतलब कितना प्रॉफिट हो गया,
50% हमें प्रॉफिट हो गया और ये हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, सिर्फ कुछ नहीं, 25% डिस्काउंट, 25% लाभ, उससे हमने CPMP निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट डिस्काउंट है, जो अगला डिस्काउंट देगा वो MP पे देगा, तो MP कितना है, 10%, 10% मैंने देखा तो 12.5 हो जाएगा, 12.5 लेस किया तो हमारा फाइनली उत्तर आ गया। ओके फ्रेंड्स, हम इसे चाहें तो और भी मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन ईजिली मेथड आपके लिए यही होगा। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। सिर्फ लैंग्वेज देख के डरना नहीं है, क्यों क्यों डरना नहीं है, क्योंकि अंकित सर आपके साथ हैं हमेशा। ओके फ्रेंड्स, चलो, एक विक्रेता 950 रुपये अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है और उसे उत्तरोत्तर 20% 10% छूट मिलती है। मतलब 950 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर जो है 20% और 10% की छूट मिलती है, दो डिस्काउंट मिलते हैं। वह उसे पेंट कराने में 66 रुपये खर्च करता है। वह कूलर को 25% लाभ पर बेचे तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि उसने ख़रीदा कितने का। अच्छा, कूलर का अंकित मूल्य कितना दे रखा है हमें, 950 रुपये का, ठीक है, 950 रुपये का अंकित मूल्य, उस पर 20% और 10% का बट्टा है। अच्छा, 20% का बट्टा है तो बेचेगा कितने में, ये 80/100 में, एक और बट्टा दे रहा है 10%, तो सीधे सीधे 90/100 कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि उसने कितने में खरीद लिया होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, CP मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जो कि मेनली उससे खरीदा है, तो 10 10 10 10 ये दो जीरो गए, ठीक है, 10 10 10। अब क्या करना है, 5 से काट लूँ, 5 से कितनी बार, 19 बार, 5 से कितनी बार, 2 बार, 2 × 4 = 8 हो गया। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 नंबर कितना होगा फ्रेंड्स, 19 नंबर 171, 19 नंबर 171। अब उसके बाद मल्टीप्लाई बचा है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपली कर लेते हैं, 4 × 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 4 × 1 = 4, 7 × 28 = 8, 2 कैरी, 4 × 1 = 4 और 2 = 6, मतलब 684, मतलब 684 रुपये फाइनल हमारा आ गया क्या, CP। अब उसके बाद में, मतलब इतने रुपए में तो उसने कूलर खरीद लिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने उसके पेंट पे खर्च कर दी, भाई मैं खरीद के लिए आया तो पेंट पे मैं ही तो खर्च करूँगा, कितने, 66 रुपये। अच्छा, 66 रुपये खर्च कर दिए तो फाइनली वो कूलर मुझे पड़ा कितने का, ये देख लेते हैं, 6 × 4 कितना हो गया, 10, 1 क्या हो जाएगी, कैरी, ठीक है, 6 × 7 = 7 = 7 = 14 = 15 = 5, 1 कैरी, 6 × 1 कितना हो गया, 7, मतलब 750 रुपये का ये तो मुझे पड़ गया क्या, कूलर, मतलब 750 रुपये लग गए मेरी जेब से। अब 750 रुपये को मैं बेचूंगा कितने पे, 25% प्रॉफिट पे बेचने की बात की गई, तो 25% सीधे सीधे 125/100। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारा फाइनली विक्रय मूल्य आ जाएगा कितने रुपए में हमें बेचना चाहिए, तो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कर ले, 25 से काटते हैं, 25 × 125, 25 × 100, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, हम इसे और थोड़ा सा काटने की कोशिश करते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0 × 5 = 25, 2 कैरी, 5 × 7 = 35 और 2 = 37, और 37/100 में कितना है, 4, तो मतलब 37/50 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 4 से तो हमारा कितना आ जाएगा, 937.5 रुपीस हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है और वो भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे आप लोग। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़।
और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए प्लीज़। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 मतलब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक व्यापारी अपने सभी सामान 8% छूट पर देता है, फिर भी 15% लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु का 250 रुपये अंकित है, एक वस्तु पर 250 रुपये लिखा हुआ है, तो उसका लागत मूल कितना है। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो कैसे करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। सीपी और एमपी का रिलेशन है और सीपी और एमपी का रिलेशन हमें आता है बहुत अच्छे तरीके से। जब कभी डिस्काउंट दे रखा होता है तो 100 में से माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं 15% लाभ 100 में ऐड कर लूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा एमपी निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी काटने में, तो हम इसे अगर वैल्यू को काटेंगे तो किससे काट लें, कट सकती हैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं कट रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखिए, हमें दे क्या रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है, मतलब 115 की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 250 रुपये। अच्छा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 250 बटे 115। एक बराबर इतना हो गया, अब क्या करूँ, 5 से काट ले, तो 5 से काटूँगा, 5 25 10, 5 से कितनी बार, 23 बार। तो कितना हो गया, एक बराबर हो गया 25 बटे 23। एक बराबर कितना हो गया, 25 बटे 23। अब क्या क्वेश्चन ने पूछा, उसका लागत मूल मतलब क्रयमूल। तो क्रयमूल निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, वो आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब सीधे सीधे एक रेशियो का मान मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 92 मल्टीप्लाई 50 बट्टे में 23। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, काट लेते हैं। तो 23 से 23 चौके 92, 4 5 20 मतलब 200 रुपये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, ये यहां पर कट चुका है, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 10% की छूट पर एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। एक दुकानदार 200 रुपये का लाभ प्राप्त किया, मतलब एक दुकानदार ने 1800 रुपये में बेचकर भी 200 रुपये का लाभ प्राप्त किया। यदि उसने उसे बिना डिस्काउंट के बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। सबसे पहली बात कि यहाँ पे 10% डिस्काउंट है। अच्छा, तो मैं 10% की बात करूँगा, ठीक है। 10% कितना होता है मेरा, 1 बट्टे 10। अच्छा, तो डिस्काउंट किस पर होता है, एम पी पे। अगर मैं एम पी पे 1 का डिस्काउंट दूंगा तो बेचूंगा कितने में, मतलब 10 रुपये की कोई वस्तु है और मैं बेच रहा हूँ उसे 9 में, 10 से 9 में बेचती, ठीक है। ये क्या है मेरा विक्री मूल्य, ये क्या है मेरा एमपी, ठीक है। ये तो मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेच रही है, 1800 रुपये में। तो 9 बराबर हमें दे रखा है कितना, 1800 रुपये। 1 बराबर कितना होगा, 9 × 18 200 रुपये। जब 1 बराबर 200 है तो मैं एमपी निकाल सकता हूँ 200 का मल्टीप्लाई करके, तो 200 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो एमपी कितना आ जाएगा मेरा,
2000 रुपये तो एमपी आ गया। ध्यान रखना कौन सी चीज़ क्या है, ये क्या है मेरा एमपी और ये क्या है मेरा एसपी, ठीक है फ्रेंड, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है साफ साफ क्लियरली। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन आगे क्या करें, 1800 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार ने 200 रुपये का लाभ प्राप्त किया। मतलब 1800 रुपये आकर मैं 1800 रुपये में अगर मैं कोई वस्तु बेच रहा हूँ तो मुझे इसमें ना 200 का फ़ायदा हो रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें ना एक कोई भी मोबाइल गिफ्ट दे रहा हूँ और उसके लिए मैं आपसे 1800 रुपये प्राप्त कर रहा हूँ और 1800 रुपये लेने पर भी मुझे 200 का फ़ायदा हो रहा है, तो उसने खरीदी कितनी की होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 1800 रुपये में बेचने पर मुझे 200 का फ़ायदा हो तो खरीदी कितने की होगी भाई? सीपी कितना हो जाएगा थोड़ा सोचो, क्रेमूल कितना निकल के आएगा, कितना होगा? 1600 रुपये होगा कि नहीं होगा? क्यों 1600 में खरीदी होगी, 1800 में बेचूंगा जब ही तो 200 का लाभ होगा। तो मैंने क्या किया, अगर लॉजिक से नहीं कर पाते तो सीधे सीधे लाभ जो है हम एसपी में से माइनस कर देते हैं हमेशा, तो 200 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप लॉजिक भी समझिए कि 1800 रुपये में बेचने पर 200 का फायदा होता है तो मैंने खरीदी होगी 1600 में जब ही तो 200 का फायदा हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं यदि उसने उसे बिना छूट के बेचा होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो फ्रेंड्स, बिना डिस्काउंट के अगर कोई व्यक्ति बेचेगा तो बिना डिस्काउंट के बेचूंगा तो उस चीज़ पे, उस वस्तु पे जितने रुपए लिखे हुए हैं उतने में ही बेचनी पड़ेगी। अच्छा तो कितने लिखे हुए, 2000 रुपये लिखे हुए। अच्छा तो 2000 रुपये लिखे हुए तो 1600 रुपये वस्तु अब कितने में बेच रही है, 2000 रुपये में। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो है 1600 रुपये की वस्तु 2000 में बेच रही है, कितने का फायदा हो गया, 400 का प्रॉफिट हो गया। अब तो मजे आ गए, कितने पे, 1600 रुपये पे। इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100, 1010 1010 1010, 4 चौक 16, 4 से 25 कितना हो जाएगा, 25% एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो लॉजिक बेस ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन सीखते चलिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कैसे हमें सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे दोबारा बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 10% डिस्काउंट है, 10% मतलब 10 पे 1 का डिस्काउंट, तो 10 से 9 में बेचती, लेकिन 9 में नहीं बेच रहा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1800 में बेच रहा है। तो 1 की वैल्यू निकाली, 1 = 200, तो 200 का मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे एमपी प्राप्त कर लिया कि उस वस्तु पर लिखा कितना है। ठीक है, उस वस्तु पर 200 रुपये लिखे, 2000 रुपये लिखे हुए हैं। अच्छा तो 2000 रुपये लिखे, लेकिन क्वेश्चन ने आगे बोला है कि मैं उस वस्तु को 1800 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 200 का फायदा होता है। 1800 रुपये में बेच रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों, आप अगर किसी को एक चीज़ दोगे तो 1800 रुपये की, तो आप उससे बोल रहे हो कि मुझे ना इसमें 200 का फायदा हो रहा है, तो भाई आपने कितनी खरीदी होगी, 1600 की खरीदी होगी ना, तो 1600 की खरीदी होगी। अब क्वेश्चन आगे फिर बोल रहा है कि मैं अब इस वस्तु को एमपी बेचूंगा, एमपी कितना है मेरा, 2000 रुपये। अच्छा तो 1600 रुपये वस्तु अगर मैं 2000 में बेचूंगा तो कितने का फायदा, 400 होगा, कितने पे, 1600 पे। प्रतिशत के लिए इंटू 100 करेंगे, इक्वल टू 25% हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी में आगे के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी बिल्कुल ना मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।